प्रभु राम की नगरी अयोध्या में होने वाले 8वें दीपोत्सव का आज वैदिक विद्वान की मौजूदगी में श्री गणेश हो चुका है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी ने वैदिक विद्वान की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा क्योंकि प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, 25 लाख दीपक को भी तैयार कर लिया गया है। 26 अक्टूबर से अयोध्या में दीपोत्सव स्थल पर दीपक लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दीपोत्सव की लगभग 80% से ज़्यादा तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आज दीपोत्सव स्थल पर बाकायदा भूमि पूजन किया गया और प्रभु राम माता सरयू से प्रार्थना की गई कि दीपोत्सव में जो लक्ष्य रखा गया है वह आसानी से पूरा हो, उसमें कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। इसको लेकर वैदिक विद्वान की मौजूदगी में कुलपति ने प्रभु राम से प्रार्थना भी की है। ये भूमि पूजन भी है, ये सरयू माँ का पूजन भी किया गया, भगवान राम को भी आराधना की गई उनकी भी, के सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। भगवान के आशीर्वाद से हम टारगेट भी पूरा करें, अयोध्या को दीप्यमान करें और भगवान राम के अयोध्या में दीपावली के आगमन पर हम कार्य सारा संपन्न करें। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो इससे हम माता सरयू से, भूमि से, आकाश से सबसे यही वंदना करते हैं कि ये काम हमारा निर्विघ्न पूरा हो। मैम, आज से श्री गणेश भी हो गया, दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा, अवध यूनिवर्सिटी बीते 7 वर्षों से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, कैसे देख रही हैं आप, क्या कह रही हैं? ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, उनका बहुत योगदान होता है इसमें और उन्हीं के योगदान से इस बार भी हम ये विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है और प्रार्थना की गई है माँ सरयू से और अपने भगवान श्री राम से कि हमारा दीपोत्सव सकुशल संपन्न हो जाए। और आज से अब 25 तारीख से हमारी जो सारी दीपोत्सव सामग्री है वो घाटों पर पहुंचाने का कार्य संपन्न किया जाएगा। तत्पश्चात हम अपने वॉलंटियर्स को का आह्वान करेंगे 26 तारीख से कि जिन जिन घाटों पर दियों को प्रज्वलित करना है और दिए पहुंच चुके हैं वहां दियों को सजाया जाए।